ओम शांति। 19/9/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं आज के साकार मुरली का सार। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम फिर से राजयोग सीख रहे हो, तुम्हें भगवान फिर से पढ़ाते हैं, तुम राजाई के लिए यह पढ़ाई पढ़ रहे हो। अपनी एम ऑब्जेक्ट सदा याद रखो। हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाला कौन है, क्यों पढ़ रहे हैं, तभी तो फिर पढ़ने का खुशी होगी। आज की मुरली का प्रश्न है, अभी तुम बच्चे कौन सी तैयारी बहुत खुशी से कर रहे हो? उत्तर में बाबा ने कहा, तुम अपना यह पुराना शरीर छोड़ बाप के पास जाने की तैयारी बहुत खुशी खुशी से कर रहे हो। एक बाप की ही याद में शरीर छूटे, गुटखा ना खाना पड़े, ऐसी प्रैक्टिस यहाँ ही करनी है। तुम्हारी अभी स्टूडेंट लाइफ बेपरवाह लाइफ है, इसलिए गुटखा प्रूफ बनना है। अब ये हमारा शरीर है ना, ये कपड़ा रूपी जो तन है वो क्या हुआ है, पुराना हो गया है। इसका जितना भी पार्ट था, जितना भी आत्मा को शरीर पहनने थे, वो शरीर पहन लिए। अब इसे छोड़ना है। अब इसमें क्या होना है, पावन तन और पुण्य आत्मा बन करके फिर नया जीवन अर्थात सुख की दुनिया में आपको जाना है, वाया शांति धाम। तो बाबा कहते, अब यह पुरानी हो गई है, जड़जड़ी भूत हो गया है ना, तो जड़जड़ी भूत शरीर को अब छोड़ना पड़े, तो इसमें मोह रहेगा, तो फिर शरीर छोड़ने में कष्ट होगा। इसीलिए आखिर में कहते हैं ना, अंतमति सुगति हो जाएगी, तो परमात्मा से प्रीत में रहेंगे तो गुटखा नहीं खाना पड़ेगा। तो बाबा कहते, यह प्रैक्टिस तो यहाँ ही करनी पड़ेगी, वहाँ जाकर तो नहीं करेंगे। और अभी तुम्हारी लाइफ कैसी है, बेपरवाह स्टूडेंट लाइफ है। जैसे जब बच्चे पढ़ते हैं तो सारा सब कुछ चिंता नहीं रहती ना, घर की परिवार की कुछ भी चिंता नहीं रहती है ना। अच्छा, गीत है रात की राही, ओम शांति। रूहानी बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो यह जानते हैं कि हम क्या पढ़ते हैं, यूं ही तो नहीं बैठ जाते, पढ़ाने वाले को भी जानते हैं, और एम ऑब्जेक्ट उद्देश्य और प्राप्ति क्या है वह भी अच्छी तरह से जानते हैं। जब हम चाहे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए पेरेंट्स भेजते हैं तो भी पेरेंट्स जानते हैं अच्छी रीति की बच्चों को हम क्यों भेज रहे हैं। जब बच्चा बड़ा हो करके अपने उस पर खड़ा होता है और फिर उसको पता होता है कि आज हम ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे, तो उसके पीछे कारण क्या है, पढ़ाने वाला कौन है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़कर हमें करना क्या है ना, यूँ ही तो नहीं पढ़ते। कोई भी पढ़ाई हो तो यहाँ भी जो ईश्वर पढ़ाने वाला है और जो हम पढ़ रहे हैं तो वह भी तो 21 जन्म के लिए सुखी होने के लिए पढ़ रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं उद्देश्य और प्राप्ति क्या है यह सभी जानते हैं ना, तो वह भी अच्छी तरह से जानते हैं। अभी तुम सब जानते हो कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, तो यह कोई छोटी पढ़ाई तो नहीं है, बेहद की पढ़ाई है। इस समय हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बने हैं। तुम क्या पढ़ते हो, राजयोग। यह भी जानते हो हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और पढ़ने वाले कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम फिर से पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं कहते, फिर तो वो फेल हो जाते, ये पढ़ाई तो ऐसी है नहीं। तो बाबा कहते, यहाँ तुम बच्चों को निश्चय है कि हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं। कल्प पहले सीखा, जो 5000 वर्ष पहले भी सीखा था, यह ज्ञान सिर्फ तुम्हारे ही पास है, भगवान फिर से आकर पढ़ाते हैं, यह कोई कम बात थोड़े ही है। यह भी बच्चों को पता है कि भगवान एक है और भगत अनेक हैं। इससे सिद्ध होता है बाप एक और बच्चे अनेक होते हैं। बाप को क्रिएटर तो सब मानेंगे, रचना को रचता द्वारा वर्षा मिलता है। रात को प्रश्न पूछा था ना, बाप को कैसे पहचाना जाए, बाप खुद कहते हैं हमने तुमको बच्चा बनाया है, तब तो सामने बैठे हो, अब तुमको फिर से मनुष्य से देवता बना रहा हूँ, राजयोग सिखा रहा हूँ, जिससे तुम सो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहनी चाहिए ना।
तुम्हारी बुद्धि में है लक्ष्मी नारायण का राज्य, था तो एक ही राज्य, सारे विश्व का पर राज्य था, तो तुम बच्चों को चित्रों पर बैठ समझाना है। हम क्या पढ़ रहे हैं? यह है एम ऑब्जेक्ट। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो मात पिता भी जानते हैं क्या पढ़ रहा है। यहाँ तुम फिर से राजाई के लिए पढ़ रहे हो तो तुमको मित्र संबंधियों को भी बतलाना पड़े। हम इस गीता पाठशाला में राजयोग सीखते हैं जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे। इस पाठशाला में बूढ़े जवान बच्चे सब पढ़ते हैं। यह वंडर है ना? पाठशाला में तो ऐसा होता नहीं, इसलिए इसको सत्संग भी कहा जाता है। पाठशाला में ऐसे थोड़े होता है कि एक ही क्लास में बच्चे बूढ़े जवान सब पढ़ें। यह तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, इसमें कोई बच्चा बूढ़ा जवान ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते, सब पढ़ सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा नॉलेजफुल है, जिसको 20 वर्ष हो गए, वो 20 वर्ष का बच्चा है ना, वो पुराना बच्चा, और जो नया बच्चा, एक रोज का उम्र से नहीं होता। लेकिन कौन सी आत्मा कब बाबा से पढ़ाई शुरू करी, उसे ही कहेंगे एक रोज का या 20 रोज का बच्चा, है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ सब पढ़ते हैं, कितना वंडर है ना। पाठशाला में थोड़े ना ऐसा होता है, इसलिए इसको बाबा कहते सत्संग नहीं कहा जाता, सत्संग भी कहा जाता है। सत्संग में जो सब जाते हैं, सत्संग माना जिसमें सब जाते हैं, परंतु वह ऐसे नहीं कहेंगे कि हम राजयोग सीखने जाते हैं। उनको कोई भगवान तो नहीं पढ़ाते हैं ना, लौकिक पढ़ाई में यह थोड़ी हम कहेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, राजयोग सीखने थोड़े ना जा रहे हैं ना। तो तुमको तो भगवान खुदा खुद आकर पढ़ा रहे हैं। यह चित्र तो घर घर में होना चाहिए। माता पिता मित्र संबंधी जो भी आए, उनको समझाना है कि हम यह पढ़ रहे हैं। यह पढ़ाई तो बहुत सहज है, नाम ही है सहज ज्ञान सहज राजयोग। राजा जनक को भी सेकंड में ज्ञान मिला और जीवन मुक्त हुआ। मनुष्य भी कहते हैं हमको जनक मिसल ज्ञान चाहिए जो हम गृहस्थ में रहते पा सकें। वह तो बहुत ऊंच पढ़ाई है, मनुष्य से देवता बनना है। देवताओं की महिमा कितनी ऊंची है। सर्वगुण संपन्न यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। पतित दुनिया आसुरी पावन दुनिया है, वह है अमर लोक। पतित दुनिया आसुरी और पावन दुनिया है देवी दुनिया। समझा बाबा क्या समझा रहे हैं? कई कई अमर लोग को क्या समझ लेते हैं कि कोई मनुष्य का शरीर छूटता ही नहीं, वो सदा अमर रहता, जबकि अमर लोग का माना होता है जहाँ आपकी गोल्डन एज होती है, 150 वर्ष की आयु बिल्कुल पक्का, ना एक दिन कम ना एक दिन ज़्यादा। जब शरीर का 150 वर्ष की आयु हो जाती है तो शरीर क्या होता है, अपना वह बूढ़ा तन, बूढ़ा नहीं होता एक्चुअली, पुराना 150 वर्ष का हो जाता है, तो एक शरीर छोड़ दूसरा आत्मा पहन लेती है, बच्चे का कपड़ा रूपी, मतलब नया बच्चे का तन ले लेती है ना। तो यह वो जानती है पाठ बजाते समय, तो उसे ही फिर अमर लोग कहते हैं, सतयुगी राज्य। बाबा कहते हैं इस तरह से पतित दुनिया है आसुरी और पावन दुनिया है देवी दुनिया। जिसमें निर्विकारी रहते हैं वहाँ के किसे कहते हैं सर्वगुण संपन्न, है ना, और जहाँ विकारी आत्माएं रहती हैं उसे ही फिर कहते हैं आसुरी दुनिया, है ना, क्योंकि आत्मा में फिर वो 5 विकार आ जाते हैं, तो उसे फिर आसुरी गुण वाले कहने लग जाते हैं। पावन गुण वाले माना पुण्य आत्माएं, जो देव आत्माएं होती हैं ना, देवी गुण वाली। तो बाबा कहते हैं पतित दुनिया इस तरह से और आसुरी दुनिया में फ़र्क है। पावन दुनिया में जाने के लिए पवित्र बनना है। लक्ष्मी नारायण पावन थे ना, अभी तो वह है नहीं, यह तो पतित राज्य है, फिर से पावन बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, लक्ष्मी नारायण में सभी का प्यार रहता है। तब तो बड़े बड़े आलिशान मंदिर बनाते हैं, प्यार नहीं होता तो ऐसे कैसे बना देते, शो के लिए तो नहीं। तो श्री कृष्ण का तो छोटा छोटा मंदिर बनाते हैं, जैसे बच्चों का होता है, उनको यह पता ही नहीं कि राधे कृष्ण ही नारायण लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाबा ने पहले भी मुरली में कहा, आज भी कह रहे हैं, राधे कृष्ण सतो प्रधान अवस्था बाल्यावस्था। रजो अवस्था उनकी कब होती है, जब वह राज्य
करने लग जाते हैं लक्ष्मी नारायण, है ना। तो बाबा कहते हैं और सतयुग कब शुरू होता है, जब उनका स्वयंवर के बाद जब लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं ना राधे कृष्ण, तब फिर सतयुगी दुनिया का आरंभ हो जाता है। क्योंकि जो राधे कृष्ण हैं वह भी तो इस दुनिया के ही उसे मतलब योग बल से होंगे ना लक्ष्मी नारायण बनने से पहले प्रिंस प्रिंसेस, तो फिर वो जब तन छूट जाएगा उनका तब फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य शुरू होगा स्वयंवर के बाद। तो तुम समझा सकते हो कि आज से 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य भारत में था और कोई के चित्र है नहीं, सूर्यवंशी डिनाइस्टी मशहूर है। लक्ष्मी नारायण और सीताराम की डिनाइस्टी भी डिनाइस्टी थी। फिर द्वापर कलयुग होता है उसके बाद, अभी कलयुग का अंत है, हम फिर से वही राजयोग सीख रहे हैं। 5000 वर्ष पहले राजयोग सीख राजाई प्राप्त की थी, बरोबर वह संपूर्ण निर्विकारी थे, अभी पतित दुनिया है, इसलिए परम पिता परमात्मा को आना होता है, गाते भी हैं पतित पावनाओं, वह तो निराकार ठहरा ना, श्री कृष्ण तो प्रिंस है सतयुग का, वो यहाँ कैसे होगा, तो वह कैसे आकर पावन बनाएंगे। तो समझाना पड़े कि साकार को भगवान नहीं कहेंगे, जो भी इस संसार में जन्म मरण में आते हैं उसे भगवान नहीं कह सकते, दूसरे धर्म वाले परमात्मा को निराकार मानते हैं, है ना, कहीं नूर कहते, कहीं अल्लाह कहते, कहीं ज्योतिर्लिंग कहते, कहीं शिव तो है ही ना निराकारी, तो इस तरह कहीं फिर पत्थर में पूजते, पत्थर में भी हो रहता, तो जापान में भी आपने देखा लाइट है ना, गॉड इज लाइट ऐसा कहते हैं ना। तो बाबा कहते फिर सभी कहते हैं यदि कृष्ण कोई मानते तो पूरी दुनिया मानती ना, परमात्मा को तो निराकार मानते हैं दूसरे धर्म वाले भी, तो वही लिबरेटर गाइड विल्सफुल गॉड फादर सर्व का दुख हरता सुख करता है। बाप जब दुख हरते हैं तो सुख भी देते होंगे ना। तुम मित्र संबंधियों आदि को समझा सकते हो, वहाँ तो वेद शास्त्र अनेक मनुष्य सुनाते हैं, यहाँ तो सब सुनते ही एक से हैं, एक है तो एक एक की ही रचना करेगा, जो अनेक होते हैं बच्चे तो वो अनेकों की रचना करते हैं, रचना अनेकों की करते हैं और रचता एक की रचना करता है ना। तो ये एक ही है जो सबको सुनाते हैं, सब सुनते हैं एक सा। तो बाप कहते हैं तुम मेरे से ही सुनो भगवान बाच, जरूर किस तन में आएगा ना, गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, हम ब्रह्म कुमार कुमारियाँ हैं, 5000 वर्ष पहले भी संगम पर ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण रचे गए, जो ब्राह्मण फिर देवता बने थे, अभी हम शूद्र से ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे, हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं, कल्प पहले भी सीखे थे, समझेंगे। यह तो बड़े निश्चय से बोलते हैं भगवान उवाच, मैं तुमको फिर से राजाओं का राजा बनाता हूँ, अक्षर तो बरोबर गीता में है, राजयोग से हमने राजाई पाए, फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू हुआ, अभी रावण राज्य पूरा होता है, हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं, और पाठशालाओं में ऐसे नहीं कहते हैं कि हम फिर से पढ़ रहे हैं, यह तो बच्चों की ही बुद्धि में है, कहते हैं कि मैं फिर से राजयोग सीखने आया हूँ। उस समय वहाँ भारत लड़ाई लगी थी, पांडव गीता सुनते थे, तुम हो रूहानी पंडे, हे रूहानी बच्चे अथवा रूहानी पंडे थक मत जाना, बाप कहते हैं ना गीता जरूर भगवान ही सुनाएंगे ना, है भी भगवान वाच, तुम जानते हो हम स्वर्ग के सुख पाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं, भगवान है ही निराकार, शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर जन्म लेकर कुछ किया होगा ना, वर्षा दिया होगा, बरोबर सतयुग में सूर्यवंशी देवता थे, डिनाइस्टी में भी, डिनाइस्टी में तो बहुत होते हैं ना, जैसे एडवर्ड द फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उन्हों की भी डिनाइस्ट्री चलती है, यह भी ऐसे है। तुम बच्चे चित्रों पर अच्छी रीति समझा सकते हो, यह ब्रह्मा कहते हैं मैं थोड़े ही भगवान हूँ,
मुझ में बैठा अंदर एक परमात्मा, उसे भगवान कहते हैं, उससे लगन लगाओ। मैं तो खुद उससे लगन लगा बैठा हूँ, है ना। तो बनाने वाला तो दूसरा होगा ना, मैं कहाँ से सीखा। ब्रह्मा बाबा कहते मैं कहाँ से सीखा, मुझे सिखाने वाला भी है तो तुम्हें कौन सिखाएगा, मैं या ये। तो बाबा कहते अगर हमारा मनुष्य गुरु होता तो गुरु से लाखों करोड़ों सीखने वाले चाहिए, सिर्फ यही सीखा क्या, और सब चेले कहाँ गए। यहाँ तो है ही भगवान उपज, उसने यह राज समझाया है। यह चित्र कैसे बैठ निकलवाए हैं, लक्ष्मी नारायण बचपन में राधे कृष्ण थे, गीता का भगवान कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ। बाबा कहते प्रलय की तो बात ही नहीं, तुम भी कहते हो हम फिर से देवता बन रहे हैं, शिव जयंती भी गाई जाती है, प्रलय हो जाए तो ये दुनिया ही ख़त्म हो जाए, दुनिया ख़त्म हो जाए तो फिर बचा ही क्या, कुछ भी नहीं बचा। बाबा कहते इसीलिए प्रलय तो होती नहीं है, है ना। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो कि हम सिर्फ बदली हो जाते हैं, है ना, ये प्रकृति बदली हो जाती है, ये पांच तंत्र अपना स्वरूप बदल लेते हैं ना, तो अशांत से शांत हो जाते हैं, सुख देने वाले हो जाते हैं, प्रेम देने वाले हो जाते हैं, हम भी सबको प्रेम देने वाले बन जाते हैं, सुख देने वाले बन जाते हैं, क्योंकि सुखदाता हमें आकर सुख देना सिखा जाता है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से शिव जयंती भी गाई जाती है। अभी हम क्या हो रहे हैं, बाबा कहते तुम भी कहते हो हम फिर से देवता बन रहे हैं, शिव जयंती भी गाई जाती है, लाखों वर्ष तो नहीं हुए, बाप बैठ समझाते हैं, इन शास्त्रों आदि में कोई सार नहीं है, यह पढ़ते पढ़ते तुम्हारी कला उतरती गई है। बाबा ने पहले भी कहा ये सब जो गीता के वर्शंस हैं, फिर रामायण महाभारत ये सब जो निकाला है, वो सब किसका, रचना की रचना है, और रचना की रचना बाबा कहते हैं उससे, रचना से किसी को भी वर्षा नहीं मिलता। आपको वर्षा काका मामा चाचा से तो नहीं मिलता ना, आपको वर्षा तो आपको बाप से ही मिलेगा। तो गीता का भगवान तो बाप है, और वो बाप जब तक वर्षा देने ना आए तब तक कैसे वर्षा मिल सकता। तो हम उससे तो नीचे ही उतरते आए, वो तो लिख दिया जो जिसकी मति में आया है ना, तो अनेक लिख दिए। बाबा कहते तुम्हारी कला ही उतरती गई है ना, जब से तुमने पढ़ना शुरू किया अभी तो कोई कला नहीं रही है। बाप कहते हैं भक्ति से कोई भी मेरे से मिल नहीं सकता, मुझे आना ही पड़ता है। तुम कहते हो भगवान किस ना किस रूप में आएगा, श्री कृष्ण तो है ही सतयुग का प्रिंस, शिव तो है निराकार, वह जरूर किस में आया होगा, पतित पावन है तो जरूर कलयुग के अंत में आया होगा। बाबा को आना ही पड़ता है पराए राज्य में, पराए तन में, पतित तन में, है ना, और पराई दुनिया में आना पड़ता है। पतित पावन तो है जरूर कलयुग के अंत में आएगा, क्योंकि कलयुग को सतयुग में बदली करने तो यहाँ ही आना पड़ेगा। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, यह तो शोभता नहीं। अब सतयुग में कहाँ आएगा, कहाँ कृष्ण के लिए कोई ना जरा संधि कंद कंस और ये सब होंगे, शूर्पणखा, वहाँ तो कोई दुख देने वाला था ही नहीं। अभी जो आपके अंदर आसुरी अवगुण हैं, जो माया है विकारों की, वही तो शूर्पणखा और वही तो सब कुछ है। कंस जरा संधि आपके अंदर ही हैं, जो आपको योग में नहीं ठहरने देते हैं ना। तो काम चिता पर बैठ काले हुए, अब ज्ञान अग्नि से उन सबको दग्ध करना है, तो ये सब तो बाहुबल से नहीं होता है। कोई जैसे सुदर्शन चक्र दे दिया तो वो तो उसका बाबा ने समझाया है ना। तो गदा का भी, सारे शास्त्रों का भी बाबा ने विस्तार किया है, जो अस्त्र शस्त्र वेपन्स दे देते हैं ना हाथों में देवी देवताओं, तो बाबा ने यह भी कहा है कि यह सब जो भी दिखाया गया है शास्त्रों में, वो सब असल में तुम ब्राह्मणों के शस्त्र हैं, है ना। सारे जो भी शस्त्र हैं वो तुमको दिए हैं, ना कि देवताओं को दिए। देवताओं को तो सिर्फ प्रारब्ध ही हुई है ना। अच्छा, स्वदर्शन चक्र, शंख, गदा, त्रिशूल, जो भी है ना, सब कुछ तुमको दिया है। ज्ञान तलवार ना, सब तुम्हारी ही है। माताओं पर कलश है ना। बाबा कहते
किसी में आया होगा, कृष्ण को द्वापर में ले जाने की वजह से यह शोभता नहीं है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ संगम पर, इस बूट अर्थात ब्रह्मा में मैं फिट होता हूँ। ड्रामा कहते हैं ना, बाबा कहते संगम पर आता हूँ और इसमें ही आता हूँ, कल्प कल्प आया कल्प कल्प आता ही रहूँगा, ड्रामा में कोई चेंज नहीं हो सकती, रोला कितना कर दिया है इसलिए प्रश्न पूछा जाता है, ना जाने क्या क्या अंग्रेजी कैलेंडर, हिंदी कैलेंडर, ये कैलेंडर वो कैलेंडर, इसका न्यू ईयर उसका न्यू ईयर, ये भगवान वो भगवान, हाँ तो गली गली घाट घाट पूजने लगे हैं, भक्तों को मनुष्यों को पूजने लगे हैं, जिससे कोई प्राप्ति हुई उसी को भगवान मान लिया, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो चाहे गुरु हो चाहे कोई भी हो, उसे कोई भगवान के रूप में देखने लगे। अब जो सतगुरु है, जो सुप्रीम है, करता धरता करण करावन हर बाप, उसकी कोई सुनने तैयार ही नहीं है, क्योंकि इतना इतना बता दिया है कि मूंझ जाते हैं ना। बाबा कहते इसलिए प्रश्न पूछा जाता है, गीता का भगवान कौन, यह बड़ी ज़रूरी बात है, इसी में सारा रोला है। नर्क को पलटने और स्वर्ग बनाने वाला कौन, बाप ही कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण कितने एक्टिव थे, बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से भी कर्म विनाश हो जाएंगे। सब तो नहीं समझेंगे, कोई को भी अच्छा लगता है, परंतु पवित्र रहने की हिम्मत नहीं रखते हैं। अभी देवी देवता धर्म का सैम्पलिंग लग रहा है ना, कलम लग रही है, जो कल्प पहले ब्राह्मण बने होंगे वही बनेंगे, यह कलम बाप के सिवाय कोई लगा नहीं सकता, जो जैसा है वैसा ही बनाएगा ना, तो बाप है पवित्रता का सागर तो वही बनाएगा। तो देवता धर्म वालों को शूद्र से ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण जरूर बनना पड़ेगा, नहीं तो देवता कैसे बनेंगे। विराट रूप पर समझाना होता है, चोटी के ऊपर शिव ही दिखाते हैं, तो उन्होंने शिव को और ब्राह्मण वर्ण को उड़ा दिया है, इसीलिए बहुत मुंझ गए, बाकी देवता क्षत्रिय दिखा दिए हैं। विराट रूप दिखाते भी विष्णु के रूप में हैं, यह नॉलेज उलझने समझने की है ना, उलझने की नहीं समझने की है। मनुष्य कैसे 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं और कोई यह नॉलेज नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं यह नॉलेज ही प्रायः लोप हो जाती है, देवी देवताओं के साथ यह नॉलेज यह ज्ञान जाता नहीं है, क्योंकि फिर वो सुख कैसे भोगे, यह तो देना का काम ही दाता का है, तो यह ज्ञान दाता ही आकर ज्ञान देगा, वह भी संगम पर, परंपरा चल ना सके। स्वदर्शन चक्र देवताओं को नहीं है, यह तुमको है, परंतु तुम तो संपूर्ण बने नहीं हो, तो निशानी देवताओं को दे दी है। स्वदर्शन चक्र फिराते कमल पुष्प समान बनते, शंख ध्वनि करते तुम देवता बन जाएंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णु पूरी स्थापन कर रहे हैं, यह बातें कोई की बुद्धि में नहीं है। भगवान पढ़ाते हैं, हम विश्व के मालिक बनते हैं तो कितना ना हर्षित होना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, पढ़ाई की लाइफ बेपरवाह अच्छी रहती है, पीछे तो जाल में फंस जाते हैं, शादी होती है, बच्चे होते हैं, नौकरी का भार दूसरे के अंडर में जाकर के काम करना, उसकी बातें सुनना, कोई होमवर्क नहीं किया है ना, हाउस में कुछ दिया तो वो नहीं किया, फिर सबके ताने सुनना, तो कितने पीछे फंस जाते हैं ना, कितने दुख की जाल है। सतयुग में कोई बात नहीं, खुशी खुशी से शरीर छोड़ते हैं, घुट घुट कर मरना रावण राज्य में होता है, बस राम राज्य में नहीं। तो तुम खुशी से तैयारी कर रहे हो कि हम कब बाबा के पास जाएं, बैठे ही बैठे यह सब हम सुन रहे हैं, तो बैठे ही इसलिए हैं, पुराना शरीर छोड़ जाए फिर 21 जन्म गुटखा खाने की बात नहीं, इस जन्म में गुटखा बिल्कुल नहीं खाना है, पतित से पावन बन रहे हैं, बहुत खुशी में रहना है। अच्छा, यहाँ के सूक्ष्म वतन में जाते हैं वह भी अच्छा है, फरिश्ता तो बनना है, आधा कल्प तो गुटखा खाते आए हैं, अब बाबा के पास जाएं, खुशी से तैयारी कर रहे हैं, गुटखा प्रूफ यहाँ बनना है। ऐसे सन्यासी भी बहुत होते हैं जो बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, सन्नाटा हो जाता है, समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, जानते तो कोई नहीं। जब तक बाप ना आए शिव बाबा का भंडारा भरपूर है, कहते हैं ना, जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर कालकंटक दूर,
यहाँ तो अकाल मृत्यु होती रहती है। पावन पतित पावन शिव बाबा के भंडारे में जो आता है वह पावन बन जाता है, इसलिए इसको ब्रह्मा भोजन कहा जाता है, जिसके लिए देवताएं भी तरसते हैं। तो इनकी बड़ी महिमा है। योग भी बड़ा अच्छा चाहिए, योग में रह भोजन बनाओ और खाओ तो तुम्हारी बहुत अच्छी उन्नति होगी। बाबा के भंडारे से निकालो, बाबा से पूछो, बाबा का खाओ, तो योग में तुम रहोगे। जैसे जिस भावना से जिस संकल्पों से आप भोजन बनाएंगे तो वही भोजन जब आपके परिवार वाले खाएंगे तो उसी तरह से फिर उनका व्यवहार भी होगा, क्योंकि आत्मा जैसा सोचकर बनाती वैसे ही सामने वाले खाकर उसे ग्रहण करते हैं, है ना। जैसा तन वैसा मन, जैसा खान वैसा कहना चाहिए मन हो जाता है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से उन्नति होगी यदि आप भोजन भी याद में रहकर बनाओ और खाओ, तो उस भोजन में बहुत ताकत आ जाती है। योग में रहे तुम भोजन खाओ तो बहुत ताकत मिलेगी और तंदुरुस्त भी रहेंगे। बाबा खुद कहते हैं कि हम बाबा की याद में बैठे जैसे कि हम और बाबा खाते हैं, बुला लो बिठा लो बगल में ना, तो परंतु फिर भी भूल जाता हूँ। एक बाप की याद में ही शरीर छूटे, कोई घुटका नहीं आए, ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाबा की याद में रहने से एक तो शांति रहेगी और हेल्दी बनेंगे, भोजन पवित्र हो जाएगा। अंत का गायन है, अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, झाड़ में समझानी बहुत अच्छी है। त्रिमूर्ति और गोला भी ज़रूरी हैं, दिन प्रतिदिन तुम्हारा नाम बहुत बाला होता जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिक्कीला दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा सदा तंदुरुस्त रहने के लिए याद में रहकर भोजन बनाना व खाना, भोजन करते समय स्मृति रहे हम बाबा के साथ खा रहे हैं तो भोजन में ताकत भर जाएगी। दूसरा, देवता बनने के लिए शंख ध्वनि करनी है, स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है, कमल पुष्प समान, कमल फूल समान पवित्र जीवन बनाना है। इसका अर्थ बाबा ने क्या बताया, शंख ध्वनि। जो बाबा ने ज्ञान दिया है ना, ज्ञान की ध्वनि करते रहना है। देवता बनना है तो फिर हमें देवी गुणों को बार बार मनन चिंतन में लाना होगा, उन्हें धारण करना होगा, और ये शंख ध्वनि बार बार जब करेंगे ज्ञान की ध्वनि, तब तो फिर वो धारणा होगी। स्व का दर्शन फिराते रहना है ना, 84 का चक्र, और कमल फूल समान पवित्र रहना है। जैसे कीचड़ में पुष्प रहता है, उसके ऊपर कीचड़ टच भी हो जाए तो वो मोती की तरह फिसल जाते हैं ना, तो ऐसा बाबा ने इसका अर्थ बताया। अच्छा, वरदानी बाप का वरदान है, ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। जैसे किसी का जन्म राज परिवार में हो तो बार बार स्मृति में लाते हैं कि मैं राजकुमार या राजकुमारी हूँ, चाहे कर्म रुचि के कारण साधारण भी हो, लेकिन अपने जन्म की विशेषता को नहीं भूलते, नहीं भूलते ना, कितना प्राउड फील करते हैं कि हमारा जन्म राजाओं के घर में हुआ। भल फिर उनके कर्म कैसे भी हो, रुचि कैसे भी हो, साधारण हो, लेकिन उनको यह बार बार याद रहता है। बाबा कहते उनकी विशेषता वो भूलते नहीं हैं, ऐसे ब्राह्मण जन्म ही विशेष जन्म है। तो जन्म भी श्रेष्ठ, धर्म भी श्रेष्ठ और कर्म भी श्रेष्ठ, इसी कर्म भी श्रेष्ठ है, तो इसी श्रेष्ठता अर्थात विशेषता की जीवन स्मृति में नेचुरल रहे तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। विशेष जीवन वाली आत्माएं कभी साधारण कर्म नहीं करती। किसी ने कहा, कोई गुरु ने कहा कि ऐसा करना है तो वो गुरु मंत्र हो जाता है। कोई महान आत्मा ने, कुछ महान आत्मा ने महान शब्द कहा तो उसे महान कहा जाता है ना, तो वह साधारण कर्म नहीं करती, इसीलिए कम बोलती हैं, 100 में एक शब्द बोलेंगी, लेकिन बोलेंगी बहुत श्रेष्ठ बात है ना, बहुत ऊंची बात। अच्छा, स्लोगन,
डबल राइट रहना है तो विघ्न विनाशक बनो, डबल राइट रहना है तो विघ्न विनाशक बनो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का प्यार का। गुड नाइट।